नमस्कार। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहली बात सीएम के दौरे की, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दूसरा दिन है दौरा का। और सीएम भजनलाल आपको बता दें कि यहां पर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे हैं और मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन कर रही हैं। करीब एक घंटे तक उनका यहाँ पर पूजन अर्चना का कार्यक्रम है। तो आज सीएम के दौरे का दूसरा दिन है और सीएम फिलहाल त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पहुंचे हुए हैं और वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करीब एक घंटे तक पूजा अर्चना का दौर चलेगा यहां पर सीएम का। और इसके साथ ही आपको बता दें पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की है, किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है उसको लेकर। हालांकि खासतौर पर जो विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उन शिविरों का अवलोकन भी कर रहे हैं। और यहां पर भी आपको बता दें कि आज एक शिविर का अवलोकन करेंगे सीएम, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले मंदिर में ये दर्शन कर रहे हैं, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे हुए, मंदिर पहुंचकर यहाँ पर माँ के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना चल रही है। और हमारे सहयोगी अजय ओझा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो मंदिर माँ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ वहां से और तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्या कुछ यहाँ पर यज्ञ और पूजन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सीएम भजनलाल शर्मा अभी फिलहाल त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। करीब आधे पौन घंटे की ये पूजा अर्चना अभी फिलहाल चल रही है। इस पूजा अर्चना में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल से जिले के जो सभी पदाधिकारी है वो मौजूद है। अभी करीब 20 मिनट तक और ये पूजा चलेगी और उसके बाद मंदिर परिसर के पीछे एक सभा हॉल है, वहां पर जिला स्तरीय अधिकारियों की सीएम बैठक लेंगे। जी बिल्कुल। और बैठक में आपसे जानना चाहेंगे अजय, बैठक में कौन कौन मौजूद रहने वाले हैं और प्रशासनिक अधिकारियों में कौन कौन यहां पर रहेंगे? क्या कुछ पूरा मुद्दा यहां पर रहने वाला है? किन किन बातों को लेकर फोकस होगा सीएम का? बिल्कुल, सीएम बनने के बाद पहली बार बांसवाड़ा जिले में पधारे हैं, तो आज जो बैठक है वो बांसवाड़ा संभाग स्तरीय अधिकारियों की है। इस बैठक में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, आईजी एस परिमाला, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव व एसपी अभिजीत सिंह सहित जिले के जो तमाम अधिकारी है वो बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक का मूल मुद्दा रहेगा क्योंकि पहली बार जिले के और संभाग के अधिकारियों से वन टू वन करेंगे और इस क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या है, यहाँ पे क्या परेशानी आ रही है और यहाँ क्या विकास करना है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही जो केंद्र की जो योजना है वो किन किन जन जन तक पहुंचाने के लिए भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे और जो फीडबैक भी लिया जाएगा इन योजनाओं का। जी बिल्कुल, तुम्हारे सहयोगी अजय जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल जी। अजय, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए मंदिर में फिलहाल पूजा अर्चना कर रहे हैं सीएम, उसके बाद पदाधिकारियों के साथ में उनकी बैठक होगी, फिर और आज यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होगा जिसके तहत आदिवासियों को सौगात दी जाएगी, उस कार्यक्रम से भी सीएम आज जुड़ेंगे वीसी के जरिए। बिल्कुल, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जो जिला स्तरीय अधिकारी को बैठक है वो बैठक लेने के बाद वो सीधे यहाँ से 8 किलोमीटर दूर तलवाड़ा कस्बा है, तलवाड़ा कस्बे में तलवाड़ा पंचायत समिति में सीधे सीएम पहुंचेंगे। वहाँ पे वीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री की जो उसमें जुड़ेंगे कार्यक्रम में और करीब आधे पौन घंटे का ये कार्यक्रम है। वीसी वाले कार्यक्रम से जुड़ने के बाद वो बाद में तलवाड़ा जो खेल मैदान है वहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर है उसका अवलोकन भी करेंगे। उसके बाद वहाँ पर जो एक सभा आयोजित की गई है सभा में शिरकत करेंगे और सभा को संबोधित करने का भी सीएम का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल। अजय, आयोजन की बात की जाए, सभा की बात की जाए, वहाँ पर किस तरीके की तैयारियां हैं और वहाँ पर कितनी संख्या में लोग पहुंचेंगे? बिल्कुल, तलवाड़ा कस्बे का जो खेल मैदान है वहाँ पे पहले तो शिविर का अवलोकन सीएम करेंगे, उसके बाद जो
लाभार्थी है, लाभार्थियों से संवाद किया जाएगा। वन टू वन संवाद करने के बाद जो जनसभा है, जनसभा में गढ़ी विधानसभा और आसपास क्षेत्र के बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे, उसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सभा जो है जो गढ़ी विधायक कैलाश मीणा के नेतृत्व में की जा रही है और जो शिविर है वो जिला प्रशासन की ओर से लगाया जा रहा है। शिविर में भी बड़ी संख्या में आसपास के जो लाभार्थी हैं और आसपास के जो ग्रामीण वो पहुंचेंगे और आम सभा में सैकड़ों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी भी रहेंगे और जो लाभार्थी है वो भी रहेंगे और आसपास के जो ग्रामीण के लोग हैं वो भी सभा में मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल। अजय, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में इस वक्त सीएम जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। त्रिपुरा सुंदरी जो मंदिर है इसकी बड़ी आस्था मानी जाती है क्योंकि कई ऐसे प्रदेश के बड़े पॉलिटिशियंस नेता जो है उनकी आस्था इनमें देखने को मिलती है, अक्सर पूजा अर्चना के लिए दर्शन के लिए वहां पर पहुंचते हैं। मंदिर की बात की जाए तो मंदिर की क्या कुछ आस्था है और क्या कुछ इतिहास मंदिर का कहता है? बिल्कुल, बांसवाड़ा जिले का ये शक्तिपीठ कहा जाता है माँ त्रिपुरा सुंदरी। यहाँ पे राजनेताओं की आस्था बहुत जुड़ी हुई क्योंकि यहाँ पे एक राजनीतिक यज्ञ भी होता है और इसे तरतई माता भी कहते हैं, तुरंत फल देने वाली माता त्रिपुरा सुंदरी है। यहाँ पर राजनेताओं का खासा लगाव है, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही हो, हरिदेव जोशी रहे हो, भैरव सिंह जी शेखावत रहे हो, प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता रहे हैं वो यहाँ समय समय पर ढोक लगाते रहे और माँ का आशीर्वाद लेते रहे हैं। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जब संगठन का कार्य देखते थे तब भी वो बांसवाड़ा आते थे तो माँ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन जरूर करते थे। आज जब सीएम बनने के बाद पहली बार बांसवाड़ा पधार रहे हैं तो आज इन्होंने माँ त्रिपुरा सुंदरी में विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और माँ की आस्था राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तो देश के कई पार्टियों के जो नेता हैं उनसे जुड़ी हुई और यहाँ पे समय समय पर सभी नेता यहाँ आकर धोख लगाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो और वो तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं जब समय समय पर तमाम जो राजनेता हैं, प्रदेश के जो यहाँ पर सीनियर लीडर्स हैं वो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो मांगते हैं ताकि जल्द से जल्द माँ जो है उन मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए मंदिर से ये तीनों तस्वीरें हैं जहां पर प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा जो हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और हवन पूजन का जो दौर है, मंत्रोच्चारण का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है और कुछ देर और ये पूजा यहाँ पर चलेगी। तकरीबन एक घंटे का ये पूजा का समय है। देखिए प्रसाद जो है वो सीएम द्वारा यहाँ पर चढ़ाए जा रहे हैं, मिष्ठान जो है वो सीएम द्वारा चढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ पर पहुंचे हैं बांसवाड़ा और आदिवासी बाहुल्य इलाका है और ऐसे में अजय जब आज प्रधानमंत्री आदिवासियों को सौगात देने जा रहे हैं और आज ही के दिन मुख्यमंत्री भी ऐसा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, यहां पर क्या सीएम भी आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं या फिर जो लाभार्थी हैं उनके साथ संवाद कर सकते हैं या उन्हें कोई और सौगात दे सकते हैं? बिल्कुल, ये जनजाति एरिया कहलाता है बांसवाड़ा जिला, यहाँ पे सभी सीटें रिजर्व है और आदिवासी बेल्ट कहलाता है। तो आज जो प्रधानमंत्री जो योजनाओं को जो सौगात देने वाले हैं आदिवासी बेल्ट को और सीएम भी इस पूरे कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे, ये उनके लिए भी बड़ी बात है क्योंकि लगातार वो संगठन के तौर पर भी इस बांसवाड़ा क्षेत्र के जनजाति इलाके में काम करते रहे और आज मुख्यमंत्री के तौर पर आज राजस्थान की कमान इनके हाथ में है और बांसवाड़ा जिले में पधारे वो अधिकारियों से भी इसी यहाँ के जो रोड मैप और विकास को लेकर चर्चा करेंगे और पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी उन्होंने चर्चा की कि क्षेत्र में कैसा किस विकास को लेकर क्या रूपरेखा बनाई गई है, यहाँ पे क्या समस्याएं आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है और क्या विकास को लेकर कितना काम हमें करना है, ये सब वन टू वन सभी अधिकारियों से और भाजपा के नेताओं से भी किया है इन्होंने और इस क्षेत्र से खासा लगाव भी है। और उन्होंने कल जब अपने संबोधन में भी कहा था कि हम बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जो जनजाति एरिया है उसके विकास के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर योजनाओं का लाभ यहाँ मिलेगा, यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी सभी सुविधाएं यहाँ पे मिलेगी, हर क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। जी,
बिल्कुल 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 अजय, हम आपसे जानकारी भी ले रहे हैं, साथ के साथ में मंदिर से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आरती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री बिजला शर्मा जो है वो आरती माँ त्रिपुरा सुंदरी की उतार रहे थे। और देखिए घर बैठे आप भी जी राजस्थान के जो तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ, वो भी घर बैठे माँ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। और साथ के साथ में आज मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं तो विशेष पूजा अर्चना का दौर यहां पर चल रहा है। और न सिर्फ पूजा अर्चना का दौर बल्कि मुख्यमंत्री आज जो है यहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, और ऐसे में बांसवाड़ा में जो बांसवाड़ा की जनता है उन्हें कई लाभ और कई जो यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो तोहफे मिल सकते हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से कई ऐलान ऐसे यहाँ पर हो सकते हैं, तस्वीरें आपको मंदिरों से दिखा रहे हैं। और साथ में हमारे सहयोगी अजय ओझा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय देखिए, पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई, अब प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में और मीटिंग होने वाली है महत्वपूर्ण। इसके साथ ही जो विकसित भारत शिविर है उसका भी अवलोकन करेंगे। क्या आमजन से भी मिल सकते हैं सीएम, क्या यहाँ पर जनसुनवाई भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री? सीएम भजनलाल शर्मा ने कल बांसवाड़ा जिले के जो आम जन थे रात को सर्किट हाउस पहुंचे थे, उन सभी से मुलाकात की थी, और आज सुबह भी बांसवाड़ा सर्किट हाउस में सभी से मुलाकात सीएम कर चुके थे। वहीं जो तलवाड़ा कस्बे में जो विकसित संकल्प भारत यात्रा का जो शिविर है, वहां पर भी जो आम जन जो है जो अपनी समस्याएं बताएंगे या स्वागत करेंगे, आम जन से भी सीएम मिलेंगे। कल एक महत्वपूर्ण बात सामने आई थी कि संगठन का व्यक्ति संगठन के लोगों से कितना प्रेम करता है, वो कल देखने को मिला था। भजनलाल शर्मा जब वो संगठन में थे तब वो बांसवाड़ा जिले में लगातार आते रहते थे और लगातार यहाँ के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से उनका जुड़ाव था। सीएम बनने के बाद भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों और जो स्थानीय जो नेता उन सब से बारी बारी से मुलाकात की। सीएम के ये दृश्य देख के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी छाई, क्योंकि एक सीएम के पद पर आने के बाद भी कार्यकर्ताओं का जो सम्मान कल देखने को मिला तो कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला है, और इसका लाभ आपको लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को मिल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अजय, स्थानीय अगर मुद्दों की बात की जाए, वहां पर वहां के जो लोग हैं और उनमें स्थानीय मुद्दे क्या कुछ है, क्या ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर वहां के लोग लगातार मांग कर रहे हैं जो कि अधूरा हो, या फिर शुरू करने की अगर बात हो किसी प्रोजेक्ट को लेकर या फिर किसी योजना को लेकर, तो इसको लेकर क्या कुछ मांग की जा सकती है क्या मुख्यमंत्री से? बिल्कुल, बांसवाड़ा जिले का जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे कुछ जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से टूटी हुई, सड़कों की प्रमुख समस्या है। यहाँ पे चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में भी ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों की कमी है। साथ ही जो शिक्षा की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की कमी और जो स्कूल भवन है वो भी कई जगह क्षतिग्रस्त स्थिति में है। ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं वो सीएम के सामने स्थानीय नेताओं ने रखे हैं। वहीं आज अभी जो अधिकारियों से बैठक करेंगे, बैठक में भी सीएम इन सभी से जानकारी लेंगे क्या क्या स्थिति, क्या क्या करना है, किन किन क्या क्या समस्याएं जिले की है और क्या विकास करना है, उन सभी संबंध में चर्चा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा अजय, अगर हम बात की जाए यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर की, तो शिविर में जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या जो है वो कहां तक पहुंची है? अभी जो शिविर है वो कितने वक्त से यहां पर लगा हुआ है और कितनी संख्या में रजिस्ट्रेशन यहां पर हो चुके हैं लाभार्थियों के? बांसवाड़ा जिले में बात करें शिविर की, तो शिविर में बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुके, लगातार प्रशासन इसका जैसे बात करें जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की, उन्होंने इस पूरे शिविर का जिम्मा अपने हस्ते कर रखा है और लगातार वो निरीक्षण भी कर रहे हैं। और बात अगर तलवाड़ा शिविर भी की करें जहाँ अभी फिलहाल मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, वहां पर भी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जो पात्र व्यक्ति उन सभी को इन योजनाओं का लाभ मिल भी रहा है, और जिन लोगों को नहीं मिल रहा है प्रशासन और जो स्थानीय नेता है वो भी इनका लाभ पात्र लोगों को पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और सभी का अभी एक ही लक्ष्य है कि इन योजनाओं का लाभ जिले में जो अधिक से अधिक गांव ढाणी के जो लोग हैं जो पात्र हैं उनको इसका लाभ मिले। जी
बिल्कुल बिल्कुल, हर एक पात्र व्यक्ति को तमाम योजनाओं का लाभ मिले, यही कोशिश और इसी उद्देश्य के साथ ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही अजय, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जो है वो लाभार्थियों के साथ भी संवाद करेंगे, और बात की जाए तो 1 जनवरी से प्रदेश सरकार ने, भाजपा सरकार ने जो वादा किया था संकल्प पत्र में कि 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है 1 जनवरी से। ऐसे में जो लाभार्थी होंगे उनमें कौन कौन से योजनाओं के लाभार्थी होंगे शामिल, और खासतौर पर क्योंकि देखिए ये जो 450 रुपए में सिलेंडर मिलने हैं उसके तहत कितनी महिला लाभार्थी हैं जिनके साथ सीएम आज संवाद करेंगे? बिल्कुल, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं उनके सभी जो दो दो तीन तीन चार चार जो लाभार्थी हैं उन सबको एज ए 1-to-1 संवाद के लिए सीएम करेंगे। उसके अलावा बड़ी संख्या में लाभार्थी इस शिविर में मौजूद तो रहेंगे, पर सीएम एक प्रमुख जो सभी लाभार्थी हैं उन सभी से संवाद करेंगे। आज जैसे इन्होंने जो सरकार बनते जो वादा किया था 450 गैस सिलेंडर का, आज उसका भी शुभारंभ है। आज उसका शुभारंभ भी यहाँ तलवाड़ा जो शिविर है वहाँ से किया जाएगा। प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली है और जो तलवाड़ा ब्लॉक के जितने भी पात्र योजनाओं के जितने भी लाभार्थी वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे और उसकी पूरी तैयारियां भी जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई है, और सीएम सभी से 1-to-1 संवाद भी करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अजय आप बने रहिए हमारे साथ, और मैं एक बार तस्वीरें भी यहाँ पर दर्शकों को दिखा देती हूँ। देखिए मंदिर से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, और तमाम जो आचार्यगण हैं, जो यहाँ पर विद्वानजन हैं, वो बैठे हुए हैं और लगातार मंत्रोच्चारण का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। तकरीबन जैसा कि हमारे सहयोगी अजय लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, तकरीबन आधे पौन घंटे का ये पूरा जो पूजन का दौर है वो चल रहा है, और कुछ ही देर में जब ये पूजा अर्चना खत्म होगी तो इसके बाद अधिकारियों के साथ में सीएम की बैठक होगी, और वहां पर किस तरीके से तमाम जो योजनाएं हैं उनको मूर्त रूप देना है, किस तरीके से बांसवाड़ा को पूरी तरीके से डेवलप करना है, जो भी कमियां अभी तक रही हैं उन कमियों को किस तरीके से दूर करना है ताकि बांसवाड़ा के जो वासी हैं उनको मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना ना पड़े। और मुद्दे काफी यहाँ पर अहम हैं, सड़कें खराब हैं, शिक्षा की बात की जाए शिक्षा क्षेत्र में भी काफी कमियां हैं, शिक्षक जो हैं उनके पद यहाँ पर काफी रिक्त हैं, उन्हें भरना है, स्कूलों की स्थिति जर्जर है तो उन्हें ठीक करवाना है। हर एक क्षेत्र में जहां पर भी संभावनाएं हैं और जहां पर भी कमी है उन तमाम कमियों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है जल्द से जल्द, इसको लेकर सीएम तमाम निर्देश देंगे, अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे, और कुछ देर में वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले ये मंदिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में इस वक्त मुख्यमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं, और इसके साथ ही जी राजस्थान के जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख पा रहे हैं वो भी माँ के दर्शन घर बैठे ही कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद घर से ही प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए आरती उतारते हुए मुख्यमंत्री की ये विशेष और खास तस्वीर जो है वो सामने आई है। आरती का दौर चल रहा है और जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। देखिए माँ त्रिपुरा सुंदरी भी जिनके आप दर्शन कर सकते हैं और अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं, क्योंकि माँ त्रिपुरा सुंदरी की जो आस्था है अपने आप में बेहद गहरी है। कहा यह जाता है कि माँ से जो भी मनोकामनाएं मांगी जाए, जो भी आपकी इच्छा है वो अगर आप माँ से मांगते हैं तो माँ जल्द से जल्द उन इच्छाओं को, उन मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, और शायद इसी वजह से उनमें लोगों की आस्था और ज्यादा बढ़ती जाती है। तमाम जो राजनेता हैं समय समय पर देखने को मिलता है कि वो पहुंचते हैं मंदिर में और कोई भी शुभ कार्य से पहले माँ के दर्शन जरूर करते हैं।